اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا ربي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم। मोहतरम अज़ीज़ तलबा इज़ाम, बुज़ुर्गान दीन, अल्लाह जल्ल जलालुहू वअम्मा नवालुहू का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि जिस बारी ताला ने मुझे और आपको रमज़ानुल मुबारक के महीने में मुबारक जगह में मुबारक निस्बत से जमा किया। तीनों चीज़ें मुबारक हैं, मुबारक महीने में, मुबारक जगह में जो अल्लाह का घर है, और मुबारक निस्बत से। देखो, अल्लाह तबारक व ताला 27वें पारे की पहली सूरत की आखिरी आयत है, फरमाते हैं वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून। मैंने इंसान को और जिन्नात को महज पैदा इसलिए किया कि वो मेरी इबादत करें, और अल्लाह की इबादत तो बहुत सारी हैं, लेकिन इबादत में जो अहम रुकन है वो नमाज का है। रोज़े महशर के जां गदाज बुवत अव्वली पुरसश नमाज बुवत, यानी कि क़यामत के दिन महशर मैदान के हशर में जिस वक्त सारी दुनिया पिघल रही होगी और ये सूरज को लाकर आसमान सर के ऊपर रख दिया जाएगा, तो वहाँ सबसे पहले नमाज की पूछ होगी कि नमाज का क्या किया। और नमाज उसी वक्त सही हो सकती है जिस वक्त मेरा और आपका कुरान सही होगा। अगर कुरान सही नहीं है, इसीलिए किताबों में लिखा है ना कि फरमाया रुब्बा कारी इन लिल कुरानी वल कुरानु यलअनुहुम, के बहुत सारे कुरान पढ़ने वाले कुरान तो पढ़ते हैं लेकिन कुरान उनके ऊपर लानत करता है। अस्तग़फ़िरुल्लाह, इधर से कुरान पढ़ रहा है, अपनी तरफ से वो क्या कर रहा है, कुरान पढ़ रहा है, लेकिन उसके ऊपर लानत आ रही है। क्यों? कि वो कुरान को गलत पढ़ रहा है। जिस तरह खुदा का मकसूद है, खुदा का नुजूल है, अल्लाह ने जिस तरह उसको नाजिल किया उसके खिलाफ पढ़ रहा है, तो फिर लानत ही होगी। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल के तौर पर समझा दूं, कुरान पाक की सबसे पहली आयत है अल्हम्दु, अल्हम्दु। अब यहां कैपिटल्स में अलिफ से लेकर या तक, यहां पर ये तीन तरह की हैं, एक है हा, एक है खो, एक है हा। जो हा है वो इधर लास्ट से निकलती है, थोड़ी इससे आगे मुंह की तरफ चल के खो निकलती है, बिल्कुल दरमियानी हलक से हा निकलती है। अब इन तीनों के माने भी अलग अलग हैं, मखरज भी अलग अलग है यानी निकलने की जगह, और इनके माने भी अलग अलग हैं। जहां जहां ये यूज होंगे वो अपने अपने माने देंगे। अब अल्हम्दु के अंदर हम्द या हा इस्तेमाल हुई है, अरबी जानने वाले लोग जानते हैं कि हम्द के माने होते हैं तारीफ। अल्हम्दु, हम्दु लिल्लाही, तारीफ किसके लिए है, बोलो, अल्लाह के लिए, तारीफ अल्लाह के लिए। अल्हम्दु या वो हा है जो दरमियानी हलक से निकलेगी, तब जाकर हम्द बनेगी, और हम्द बनेगी तो तारीफ अल्लाह के लिए होगी। नकल कुफर कुफर नबाशद, अगर इसी हा की जगह, जैसे मैक्सिमम हो रहा है आज, ये कोई अचंभे की बात नहीं है, होता है, इसी हा की अलहम्द की जगह आप पढ़ दीजिए अलहम्दु, तो नाउज बिल्ला, इसका माना ये होता है सारे के सारे फट्टे पुराने कपड़े, यानी गंद बुंद कचरा।
हम्द कहकर उसकी निस्बत अगर लिल्ला के साथ कर दो तो बोला कुफर नाजर आएगा कि नहीं, कि सारा कचरा गंद बुद नौजबिल्ला, नौजबिल्ला किसके लिए है। तो कुरान पाक के अंदर, अरबी जुबान के अंदर अल्लाह ने वो नजाकत रखी हुई है कि एक हरफ की जगह दूसरा हरफ आ गया फौरन माना बदल जाएगा। जबर जेर पेश तीन जो हरकत हैं, एक हरकत की जगह दूसरी हरकत आएगी फौरन माना बदल जाएगा। ये तो मैंने आपको मिसाल कौन सी दी कि हरफ की जगह दूसरा हरफ आ जाए, और अगर जबर की हरकत की जगह दूसरी हरकत आ जाए, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कुरान करीम की आयत है वकतल दाऊदु जालूता, कतल दाऊदु जालूता, दाऊद फाइल है और जालूता मफ़ऊल है। जो फाइल होता है उस पर हमेशा पेश आता है और मफ़ऊल होता है उस पर जबर आता है। ये लंबी शायद ये बहस अलग है। तो दाऊदु के दाल के ऊपर पेश हुई, जालूता के जबर ता के ऊपर जबर हुई, मतलब इसका यह है कि दाऊद ने कत्ल किया जालूत को। और अगर दो मिनट के लिए इसका अपोजिट कर दे, कतला दाऊदा जालूतू, हरकत ही बदली ना, लफ्ज तो नहीं ना बदला, हुरूफ भी वही है, सारा कुछ वही है, इधर जबर था उसको पेश कर दिया, उधर पेश था उसको जबर कर दिया, बिल्कुल उल्टा माना हो गया कि जालूत ने कत्ल किया दाऊद को। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, यहां हर इलाके के अंदर पता है क्या एक इस्तलाह बन गई है। मौलाना साहब मेरे बच्चे को जरा थोड़ा देसी कुरान पढ़ा दीजिए, क्या छुआ ना, थोड़ा देसी कुरान पढ़ा दीजिए। और देसी कुरान कौन सा हुआ था, अंग्रेजी और अरबी कुरान कौन सा हुआ, कुरान तो एक ही है, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जात ने इरशाद फरमाया इकराउल कुरान कमा उन्जिल, कुरान ऐसा पढ़िए जैसा वो नाजिल हुआ है। हमने उसकी तकसीमें कर दी, यानी मैं से कौशल पेट पर मुझ कोई कहता मैं देसरी जुबान में पढ़े हुए, वो ऐसा नहीं है। कुरान तो सबके लिए एक है, जो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन के झंडे के नीचे आ गया उसके लिए कुरान वही है जो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर नाजिल हुआ था। तकसीम करेंगे तो खुदा का अजाब आ जाएगा। कुरान एक ही, अल्लाह के नबी ने फरमाया इकराउल कुरान कमा उन्जिल, लोगों कुरान उस तरह पढ़ो जैसा कुरान नाजिल हुआ है, और कुरान नाजिल हुआ है तजवीद के साथ। इकराउल कुरान बिलहूनिल अरब, कुरान को पढ़िए जैसे अरबों ने पढ़ा है, अरबों के लहजे में कुरान को पढ़िए। और कुरान पाक के अंदर सूरह मुजम्मिल की आयत है वरतिलिल कुरान तरतीला, कि कुरान को तुम तरतील के साथ पढ़ो। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इसकी तफसीर के अंदर फरमाया है वजविदिल कुरान तजवीदा, कि इसका मतलब यह है कि कुरान को तजवीद के साथ पढ़ा जाए, सेहत के साथ पढ़ा जाए, मखारिज हुरूफ के साथ पढ़ा जाए। और अल्लामा जजरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम हैं तजवीद के, उन्होंने लिखा हुआ है कि अल अख्ज़ु बि तजवीद हतमुल लाज़िम मन लम युजव्विद अल कुरान फहुवा आसिम, अल अख्ज़ु बि तजवीद हतमुल लाज़िम, के कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ना फर्ज ऐन है। वहां तफसीर में लिखा है हतमुल लाज़िम के मतलब यह है कि फर्ज ऐन है, गोया कि अगर किसी का कुरान तजवीद के साथ नहीं है उसका फर्ज ऐन टूट रहा है। अल अख्ज़ु बि तजवीद हतमुल लाज़िम, कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ना फर्ज ऐन है। मन लम युजव्विद अल कुरान फहुवा आसिम, और जो कुरान को तजवीद के साथ नहीं पढ़ते हैं वो गुनाहगार हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, और अल्लाह हम सब को कुरान को तजवीद के साथ सीखने की, सेहत के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अजीज तलबा और मेरे भाइयों, बड़ी खुशकिस्मती की बात है,
मेरी और आपकी। फरमाया ना वो हजरत, किसी ने फरमाया फारसी वाले ने कि इन शहादत बजोर बाजू नेस्त तान बख्शुद खुदाए बख्शिंदा, यानी ये अल्लाह की तौफीक से होता है, मेरे कमाल से नहीं होता। कोई कहे कि मिकुर पनून वक्त फारिक बोस मस्जिद मस, नहीं ऐसा नहीं है, ये अल्लाह के फजल से है और अल्लाह की तौफीक से है। अल्लाह किसी को तौफीक अता फरमाए तो होता है। इन शहादत बजोर बाजू नेस्त तान बख्शुद खुदाए बख्शिंदा। मेरे भाइयों दोस्तों, अब अल्लाह पाक अगर आपको मस्जिद में ले ही आए हैं, अल्लाह पाक ने आपको मस्जिद तक आने की तौफीक इस निस्बत से दे ही दी है, तो अब कोशिश करने हैं कि हम कुरान पाक को इंशाल्लाह सही करेंगे। कुरान पाक के सेहत के लिए, कुरान पाक को सही तजवीद के साथ पढ़ने के लिए उम्र की कैद नहीं है। सारे सहाबा की हिस्ट्री में, तारीख में आप देख लीजिए, बहुत चंद सहाबी थोड़े से हैं जिन्होंने बचपन में कुरान सीखा है, बाकी ना तो सारे के सारे सहाबा ने बड़ी बड़ी उम्रों में जाकर ईमान बड़ी उम्रों में लाए, तो कुरान भी बड़ी उम्र में सीखा। तो अगर मैं इसको क्या समझता हूं, अपने के अपने लिए अपने साथी के सामने इंसल्ट समझूं या अपनी बेइज्जती समझूं या उसको मैं हिचकिचाऊं कि यार अब तो मैं डॉक्टर बन गया, मैं प्रोफेसर बन गया, मैं फुलाम बन गया और मैं कैपिटल अब सही करूंगा, अब मैं अली बा को सही करूंगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। बल्कि किताबों के अंदर यह बात लिखी हुई है कि जिस आदमी को कुरान पाक सही नहीं है और वो फिर सही करने की कोशिश करता है, उसको दोहरा अजर है। मैं कुरान पाक अगर सही पढ़ता हूं ना, फुलान साहब अगर कुरान सही पढ़ते हैं ना, उनको एक अजर है, बात समझ में आई। और एक आदमी जो है कुरान सही करने की कोशिश कर रहा है, उसको सही होता नहीं, कोशिश कर रहा है, उसके दिल में तड़प है, जज्बा है, फरमाया उसको अल्लाह पाक दोहरा अजर देते हैं, एक तो कुरान पाक सही करने का और दूसरे जो उसको तकलीफ होती है उसका, सही करने में उसको जो तकलीफ होती है उसका भी अजर अल्लाह पाक उसको देते हैं। भाइयों मसला यह है कि अल्लाह पाक को सबसे, कुरान किसका कलाम है? अल्लाह का, अल्लाह का कलाम। कलाम मीन्स क्या होता है? कलाम मीन्स बातें, यानी बातें, कलाम ये डायरेक्ट अल्लाह की बातें हैं, ये अल्लाह के बोल हैं, ये अल्लाह के बोल हैं, और वो जुबानें बहुत मुबारक हैं, वो जुबानें बहुत मुबारक हैं कि जिन जुबानों को अल्लाह पाक अपने बोल बोलने के लिए चुन ले। अल्लाह हम सब की जुबानों को भी चुने, अल्लाह हम सब को भी चुन ले, अल्लाह हम सब को भी कुरान पाक सही करने की तौफीक अता फरमावे। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये एतवार के दिन कुरान पाक और बाकी जो मजामीन आप हजरात ने देख लिए, सुन लिए, ये लास्ट का ये मजमून जो तजवीद का है कुरान पाक सही करने के लिए, इसके लिए हम सब ने इंशाल्लाह कोशिश करनी है। इसलिए कि अगर मेरा कुरान सही नहीं तो नमाज सही है, अगर कुरान सही नहीं तो नमाज सही नहीं। इसलिए कि नमाज के अंदर जो सबक पढ़ा जाएगा, नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, अत्तहियात पढ़ते हैं, ये सारी चीजें तजवीद के साथ पढ़नी है। अगर मेरे हरूफ ही सही नहीं है, मेरी तजवीद ही सही नहीं है, गोया के वहां माना सही फिट नहीं आया। जब माना सही फिट नहीं आया, माना बदल गया, तो नमाज कहां से हो गई? इसलिए हमने कोशिश करनी है इंशाल्लाह कि हम कुरान पाक को सही करेंगे, जहां भी रहेंगे कुरान पाक को सही करेंगे। कुरान पाक के सही करने के लिए उम्र की कैद नहीं है, और इसमें किसी ने अपनी बेइज्जती भी नहीं समझनी, इसमें किसी ने अपनी इंसल्ट भी नहीं समझनी, और इसमें किसी ने हिचकिचाना भी नहीं कि यार अगर मैं अगर मौलवी साहब के सामने पढ़ूंगा, फलां के सामने, शायद गलत हो जाएगा, तो पता नहीं मेरी बेइज्जती हो जाएगी या साथी क्या समझेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे? ये तो अल्लाह की तौफीक से है कि अल्लाह पाक आपसे कुरान पाक सही करवा रहे हैं। अल्लाह को आपके साथ प्यार है, अल्लाह को आपके साथ मोहब्बत है, और अल्लाह पाक आपको हर तरह की वबा से, हर तरह के वबाल से, हर तरह के अजाब से अल्लाह आपको महफूज करना चाहते हैं। इसलिए आपको अल्लाह तौफीक कर रहे हैं, दे रहे हैं कि भाई ऐसा कर ले,
ऐसा वक्त के ऊपर कर ले वरना कल खराबी हो जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों, अज़ीज़ तलबाए किराम, अज़ीज़ मोहतरम दोस्तों, हमने कुरान पाक इंशाअल्लाह सही करना है, लेकिन कुरान पाक सही करने के लिए अगर बोनहा तो आई कि पहले से पढ़ो अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, तहरिया क्या फिक्री, जब तक बुनियाद सही नहीं होगी, जब तक उसकी बुनियाद सही नहीं होगी, खिश्त अव्वल चून हद में मारे कज ता सुरैया मी रवत दीवारे कज, यानी पहला पलंथ अगर मिस्त्री टेढ़ा कर देना उसकी 10 मंजिलें भी बना दो वो टेढ़ी चलेंगी। यानी हजरत शेख सादी ने क्या फरमाया, खिश्त अव्वल चून हद में मारे कज, पहली दीवार पहली ईंट अगर टेढ़ी लग गई तो अब वो सारी तामीर टेढ़ी हो जाएगी। तो असल बुनियाद होती है, हमने बुनियाद को, हम ये नहीं आपको कि कारी बनाएंगे, ना आपके पास उतना टाइम है, हम आप मुफ्ती साहब तो किसी को बना नहीं सकते, ना आपके पास, आपकी लाइफ इतनी बिजी है, आप इतने आप इतने आगे बढ़ गए हैं काम में कि अब आपके पास उतना टाइम तो नहीं है, लेकिन इतना कुरान पाक सही करना तलबुल इल्मी फरीजतुन, यानी तलबुल इल्मी फरीजतुन अला कुल मुस्लिमिन, इतना इतना इल्म सीखना और इतना कुरान पाक सीखना कि जिसकी वजह से मेरी और आपकी कम से कम नमाज तो सही हो जाए, नमाज के माने तो सही हो जाए, इतना कुरान पाक सीखना फर्ज है। और इतने ही हम इंशाल्लाह सीखेंगे भी, इससे ज़्यादा अच्छा ये कोई आप में से कोई ये सोचे कि शायद कितना बड़ा बोझ पड़ जाएगा, इंशाल्लाह हमने हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा माखूज करने की, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे उसको शॉर्ट करने की, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि कम वक्त में ज़्यादा चीज़ आपके जहन में बैठ जाए, वक्त कम लगे और ज्यादा से ज्यादा चीज आपके जहन में बैठ जाए, एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है, चूंकि ये एतवार के दिन ही का मसला है, बाकी ना आपके पास टाइम है, अब तजवीद के लिए परेशानी यह है कि इसके लिए इसकी इसमें महारत हासिल करने के लिए रेगुलर चाहिए, जब तक रोज का घसीटा नहीं लगता, रोज की मशक नहीं होती, जब तक ये पतली नहीं होगी, तो इसके लिए कोशिश कम से कम अपनी जगह पर बैठकर, आना तो आपने एतवार को ही है, लेकिन कम से कम अपनी जगह पर बैठकर अपने रूम में बैठकर उसके लिए मशक करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ये सिलसिला चल रहा है तदरीबुल मुअल्लिमीन का, यानी जिसको आप दूसरे अल्फाज में कहिए टीचर ट्रेनिंग, तो बड़े अरसे से चल रहा है, तो कई कई करगल तक कहाँ कहाँ से लोग जो गए ना अल्हम्दुलिल्लाह फ़ोन के ऊपर वो पूछते हैं मौलाना साहब यहाँ से हम कैसे करें, यहाँ से कैसे पढ़ाएं, यहाँ से हम कैसे पढ़ें। तो ये भी एक शक्ल है कि अगर किसी के पास वक्त नहीं है तो कम अज़ कम जब तक आपका दूसरा एतवार आता तो कम थोड़ा सा टच में रहकर खाली वक्त में थोड़ी सी मशक की जा रही है, की जा सकती है फोन के ऊपर। हाँ, अगर इस इतना भी किसी के पास टाइम नहीं है तो वो कम से कम वो उसके लिए एतवार है, एतवार आप अपने लिए फर्ज समझ लें कि इंशाल्लाह हम जाएंगे और कुरान पाक को हम सही करेंगे, और कुरान पाक सही करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह की रहमतें भी आएंगी, अल्लाह की रजा भी आएगी, अल्लाह की खुशनुदी भी आएगी और अल्लाह की मर्जियात भी आपके ऊपर आएंगी इंशाल्लाह रहमान। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये बड़ी मेरी और आपकी खुशकिस्मती है कि ये चंद साथी हैं कि जिन्होंने मेरे और आपके लिए फिक्र किया, भाई ये लोग कुरान के साथ जुड़ें, इन लोगों की नमाज सही हो जाए, इन लोगों की सूरह फातिहा सही हो जाए, इन लोगों का जो है कि नमाज सही हो जाए, ये हम सब के लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। और हजरत एक बहुत बड़े आलिम हैं, उनके साथ भी तज़किरा हुआ, उन्होंने भी फरमाया कि ये तो डॉक्टर लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि जिन लोगों को ऐसे उस्ताद मिले और ऐसे डॉक्टर्स मिले कि जो इनकी आखिरत की फिक्र करते हैं, जो इनको दीन पर लाने की फिक्र कर रहे हैं, ये तो बड़े खुशकिस्मत डॉक्टर हैं सीखने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आप हजरात मुझसे ज्यादा जानते हैं बाहर की फजा को,
बाहर की फिजा कहाँ जा रही है और कितने दूर जा रहे हैं लोग दीन से, हमारे नौजवान दीन से कितने दूर जा रहे हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्ब क़यामत जिस वक्त मेरी सुन्नतों को अलल ऐलान पामाल किया जा रहा होगा, जिस वक्त मेरे दीन को ऐलानिया तौर पर पामाल किया जा रहा होगा और सड़कों के ऊपर खुलेआम मेरी सुन्नतों को ज़िबा किया जा रहा होगा, मेरे नबी ने फरमाया उस वक्त मेरी एक छोटी सी सुन्नत को भी जो जिंदा करेगा, छोटी सी सुन्नत को भी जो जिंदा करेगा, उसको हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से 100 शहीदों का सवाब अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। तो ये तो हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मत की बात है, ये तो बड़ी हमारे लिए अल्लाह पाक की तरफ से बड़ी रहमत है, और ये अशरा भी रहमत का और उधर से लिए काम भी रहमतों का शुरू कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े हमारे लिए अच्छी बात है। ये कुरान पाक को सही करने से पहले हम इंशाल्लाह जो है अलिफ बा को सही करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे ना। अलिफ बा को सही करने से फ़ायदा आपका क्या हो जाएगा, मेरा और आपका, कि हमें पता चल जाएगा कि कौन सा हरफ कहाँ से निकलता है, कौन सा हरफ कहाँ से निकलता है। एक बात तो ये है, दूसरी ये है कि जिस वक्त आपको आज तो हो गया जो हो गया, अगले एतवार को जब आप आएंगे मुस्तकिल एक कापी और पेन, यानी मुस्तकिल एक कापी और पेन, उसके लिए हर मजमून का अकायद का मजमून ऊपर अलग उसका टाइटल डालना है, तजवीद के मजमून के लिए अलग टाइटल जाना है, तजवीद की बातें तजवीद के उसमें लिखनी है, दूसरे मजामीन की बातें दूसरे उन टाइटलों में लिखनी है, तो ये साथ में लेकर आना है। मुस्तकिल एक वर्के से या एक कागज़ से उसमें काम चलने वाला नहीं, वो आपका रजिस्टर आपके पास रहे जो इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी आपके पास रहेगा इंशाल्लाह रहमान। तो ये जो तजवीद को सही करने के लिए अलिफ से लेकर या अलिफ से लेकर या तक ये हरूफ है ना खाली, इनका थोड़ा मैं आपको तारुफ करा देता हूँ, इंट्रोडक्शन करा देता हूँ आपको। अलिफ से लेकर या तक ये कुल हरूफ 30 हैं, कौन सा कुल हरूफ 30 हैं, लेकिन लास्ट में चूंकि दो या है या यानी ये जिसको हम अपनी जुबान में लोकुटिया बोड़िया बोलते हैं या निक्की या बड़ी या, हम अपनी जुबान में वो निक्की बड़ी कुछ नहीं है, ये चूंकि रस्मुल खत कुरान करीम के अंदर इस तरह के हैं, तो और किरात चूंकि 14 किरातें हैं, 14 किरातों के अंदर बहुत सारी जगहों पर मजहूल भी पढ़ा जाता है, इसलिए ये दो या की दो शक्लें बनाई हैं। तो मतलब यह है कि काम इनका एक ही है, काम इनका एक ही है, आवाज़ इनकी एक ही है, दोनों या की आवाज़ एक जैसी है, इसलिए 29 बोलते हैं, कितने बोलते हैं 29। तो अब हम ये मैं ये बता रहा हूँ कि अलिफ से लाकर या तक कुल हरूफ 30 हैं, दोनों या की आवाज़ एक जैसी होने की वजह से इनको 29 शुमार करते हैं, कौसो इनको 29 शुमार करते हैं। आप बोलो क्या बोला मैंने, अलिफ से लेकर दोनों या की आवाज एक जैसी होने की वजह से 29 शुमार किए गए। अब बात अटल हो गई कि हरूफ कितने हैं 29, ये मैंने आपके जहन से एक शुबा निकाल दिया, तो कैसे आप जाएंगे रूम में तो रूनानी कहते में गिनेंगे आख जोतरे ये तो सुन यम शत्रु, तो मौली सोबन क्या हवन 29 है, तो इसलिए ये मैंने वाश किया कि हैं तो वहां लिखे हुए 30 हैं, वहां लिखे हुए 30 हैं, लेकिन हकीकत में 29 है, कायदे में पढ़ोगे तो 30 हैं, किताबों में पढ़ोगे तजवीद की किताबों में पढ़ोगे तो वो बोलेंगे 29 है, है ना, तो कुल 29 है। इन 29 हरूफ को डिवाइड करते हैं तीन जगहों पर, क्या इन 29 हरूफ को तकसीम करते हैं तीन जगहों पर, वो क्या है, इन 29 हरूफ में थोड़ा मेरी तरफ तवज्जो रखना, इन 29 हरूफ में से 19 हरूफ, इन 29 हरूफ में से
19 हरूफ ऐसे हैं जो हमेशा पतली आवाज के साथ पढ़े जाते हैं, बारीक आवाज के साथ पढ़े जाते हैं। बात समझ में आई? उनको कहा जाता है अरबी जुबान में, उनका नाम है हरूफ मुस्तफिला। अगर किसी के पास है तो लिख लेना, क्या कहा जाता है? हरूफ मुस्तफिला, हमेशा बारीक होने वाले, पतले होने वाले, यानी बा ता सा जीम हा दाल जाल जा सीन शीन ऐन फा काफ मीम नून वाव हा हमजा या। ये 19, इसमें किसी में आवाज मोटी आई? ये 19 हरूफ ऐसे हैं जो हमेशा क्या होते हैं? पतली आवाज के साथ पढ़े जाते हैं। और ईमन क्या, इनको क्या बोलते हैं? हरूफ मुस्तफिला, हरूफ मुस्तफिला। अब 29 में से 19 निकले, बाकी 10 रह गए। यीशु इंट्रोडक्शन, ये तारुफ है हरूफ, ये हरूफ तहजी का तारुफ है। 29 में से 19 निकले, बाकी रह गए 10। 10 में से 7 हरूफ ऐसे हैं जो हमेशा मोटी आवाज के साथ पढ़े जाते हैं, जो हमेशा मोटी पुर मोटी आवाज के साथ पढ़े जाते हैं, उनको कहा जाते हैं हरूफ मुस्तालिया। क्या नाम है उनका? हरूफ मुस्तालिया। यानी पहलू का क्या नाम बोला था? हरूफ मुस्तफिला। इस्तफाल कहते हैं पस्ती, नीचे, यानी उनकी आवाज नीचे को जाती है, बारीक होती है। और इस्तेला का माना होता है बुलंदी, यानी मोटे होते हैं, पुर होते हैं। बात समझ में आती है? वो कितने हरूफ हैं? 7 हैं। खो खो सोद बोद पो जो गईन कोफ। इनमें किसी में आवाज पतली आई? ये सारे मोटे हैं। ये क्या है? सारे मोटे होने वाले हैं। इनको हरूफ मुस्तालिया कहा जाता है। 29 में से 19 निकले बारीक, रह गए 10। 10 में से 7 निकले मोटे होने वाले, बाकी रह गए 3। 3 हरूफ मुश्तरक हैं। 3 हरूफ क्या हैं? मुश्तरक हैं, जो कभी बारीक होंगे और कभी पुर होंगे। क्या होगा? कभी बारीक होंगे, कभी पुर होंगे, मौके के हिसाब से। वो है अलिफ लाम रो, अलिफ लाम रो, अलिफ लाम रो। अलिफ, ये इसको बादशाही हरफ भी कहा जाता है। और दूसरे ये है कि अलिफ बादशाही हरफ इसलिए है कि ये हमेशा दूसरे के ऊपर टेक लगाता है, अपने ऊपर किसी को टेक नहीं लगाने देता। बात समझ में आई नहीं? इसलिए इसको बादशाही हरफ कहते हैं। और अल्लाह के शुरू में भी अलिफ है। अलिफ बादशाही हरफ है, यानी यह दूसरे की हरकत के ऊपर टेक लगाता है, इसको अपनी हरकत कभी नहीं आती। अलिफ को कभी भी अपनी हरकत नहीं आती। कयामत की सुबह तक अलिफ के ऊपर जबर जेर पेश नहीं आएगा। अगर इस डंडे के ऊपर, ये डंडा है ना अलिफ वाला, इस डंडे के ऊपर कभी अब जबर या पेश आ गया ना, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, हमजा बन जाएगा। वो क्या हो जाएगा? उसको हमजा कहेंगे, अलिफ नहीं कहेंगे। उसको हरकत आ गई, चाहे वो डंडा है लेकिन अलिफ अब उसका नाम नहीं रहेगा, अब वो हमजा बन गया। तो अलिफ हमेशा हरकत से खाली होता है। बात समझ में आई? इसलिए आगे इंशाल्लाह अल्लाह ने मेरी और आपकी जिंदगी रखी तो आप वहां पर एक फार्मूला पढ़ेंगे कि अलिफ हमेशा खाली होता है। आगे ही अभी फार्मूला एक आएगा, अलिफ हमेशा खाली होता है। किस चीज से खाली होता है? ए खालिन अनिल हरकाती सलासा,
यानी अलक अलिफ तीनों हरकतों से खाली होता है, जबर जेर पेश, ये तीन हरकत हैं, इनसे अलिफ हमेशा क्या होता है, खाली होता है। जब अलिफ हरकत से खाली हुआ तो इसने दूसरे के ऊपर टेक लगानी है ना, यानी दूसरे के साथ मिलेगा तब कुछ बनेगा ना, इतनी बात आ गई समझ में। अब जब अलिफ दूसरे के साथ मिलेगा, और इधर से अभी आपने क्या सुना कि 19 हरूफ क्या है, बारीक हैं, 19 हरूफ क्या हैं, बारीक हैं, 7 हरूफ क्या है, पुर हैं। तो अब अलिफ जब दूसरे के साथ मिलेगा तो ऑलरेडी इन्हीं में से किसी के साथ मिलेगा ना, इन्हीं में से किसी के साथ मिलेगा। तो अब अलिफ अगर 19 हरूफ में से किसी के साथ मिलेगा, वो चूंकि बेसिक क्या है, बारीक है, तो अलिफ भी उनके साथ क्या हो जाएगा, बारीक हो जाएगा। आया समझ में? और अगर हुरूफ़े मुस्तालिया में से किसी के साथ अलिफ आएगा तो वो बेसिक क्या है, पूरे हैं, तो उनके साथ अलिफ भी क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ज़ादा, ज़ा क्या है, किन हुरूफ में से है, बारीक हुरूफ में से, ज़ा किन हुरूफ में से है, बारीक, ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा। अब ज़ा के बाद अलिफ आया तो चूंकि ज़ा बारीक थी तो अलिफ भी, अलिफ भी बारीक हो गया। बात समझ में आई नहीं? इसी तरह खौफ, खौफ खा किन हरूफ में से है, जो हमेशा पुर होते हैं, जो हमेशा पुर होते हैं। तो खा के बाद अलिफ आया तो खा चूंकि पुर हरूफ में से है इसलिए अलिफ भी पुर होगा। बात समझ में आई? तो इतनी सी बात याद रखने की है कि अलिफ जब पुर हरूफ के साथ आए तो अलिफ भी पुर होता है, अलिफ जब बारीक हरूफ के साथ आए तो अलिफ भी बारीक होता है। मसला अलिफ का हुआ खत्म। अब रा, रा, रा जो है आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, रा की 13 सूरतें हैं, 13 सूरतों में से रा 9 सूरतों में पुर होती है और 4 सूरतों में बारीक होती है। वो तफसील बहुत लंबी है, इतनी सी बात याद रखने की, वो अभी समझ में नहीं आएगी। तो ये रहेगी रा की बात, और दूसरा है रह गया लाम। लाम सिर्फ 2 सूरतों में पुर होता है, बाकी हर जगह लाम बारीक होता है। लफ्ज़ अल्लाह, क्या लफ्ज़ अल्लाह, अल्लाह, इस अल्लाह से पहले अगर पहले वाले हरफ के ऊपर जबर आ जाए, इस अल्लाह से पहले हरफ के ऊपर पेश आ जाए तो लाम क्या होगा, पुर होगा। लफ्ज़ अल्लाह का लाम क्या होगा, पुर होगा, बाकी हर लाम बारीक होगा, बाकी हर लाम बारीक होगा। तो ये तारुफ मैंने आपको कराया अलिफ से लेकर के या तक, जिनको याद रहेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद रहेगा तो आइंदा एतवार को आप कापी लेंगे, आपको लिख के ले जाना पड़ेगा और लिख के इसको याद करना पड़ेगा, इसलिए कि ये बुनियाद है, जब तक इसको याद नहीं करेंगे तो वो कोई मसला हल होने वाला नहीं। तो ये तजवीद का जो घंटा है यो हैज़ ए लेक्चर नहीं है, इस तजवीद के घंटे में जितना उस्ताद ने बोलना है इतना आपने भी बोलना है, तब जाकर मसला बनेगा। मसला प्रैक्टिस का है ना, इसमें प्रैक्टिस करनी है, मश्क करनी है, और मश्क करने के लिए इसने अकेले ने नहीं बोलना, इसने उसने भी उतना ही बोलना है जितना इसने बोलना है। तो एक तो इसके लिए मश्क चाहिए, और दूसरे ये है कि फार्मूला आपने लिखना है तो उस फार्मूले के हिसाब से आप मश्क करेंगे। तो फार्मूला याद कैसे, जब लिख कर ले जाएंगे तो फार्मूला आपको याद रहेगा ना। तो इसलिए ये है कि खाली मैंने आपको ये बताया कि अलिफ से लेकर या तक ये 3 जगहों पर इनको तकसीम किया गया। 19 हरूफ हमेशा बारीक होते हैं, 7 हरूफ हमेशा पुर होते हैं, और 3 हरूफ मुश्तरक हैं जो कभी बारीक होते हैं और कभी पुर होते हैं। बाकी अल्लाह तबारक व ताला ने ज़िंदगी रखी तो आइंदा एतवार को इंशाल्लाह मश्क भी कराई जाएगी हरूफ की, और उसमें कारी कासिम साहब हैं, मैं हूँ, चूँकि सब को बैक वक्त तो मश्क नहीं, इसमें अलग अलग कार करके तो ग्रुप बना करके हम मश्क कराएँगे इंशाल्लाह। और मश्क
करा करके फिर हम सुनेंगे भी और किसका हरूफ सही हो रहा है, और अगर निकाल रहा है तो उसको प्रॉब्लम नहीं निकल रहा है, उसको प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्यों निकल क्यों सही नहीं रहा है कि उसको मशरक उसको मखरज पकड़ में नहीं आ रहा है, निकलने की जगह उसको पकड़ में नहीं आ रही है, तो उसको बताना पड़ेगा कि ये हर्फ कहाँ से निकलेगा, इसकी मशक कैसे करनी है, वो इंशाल्लाह अगले एतवार को है। इंशाल्लाह जितने आप हजरात तशरीफ़ ले आए आपने इंशाल्लाह आना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को दोस्तों को अहबाब को इंशाल्लाह इस कार खैर के अंदर इस मुबारक काम में जोड़ने की जो है कोशिश करनी है। अल्लाह तबारक व ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।